A very sweet good morning, my dear students of class 11th. Today I am going to discuss question answers of the chapter The Summer of the Beautiful White Horse. I have already taught this chapter to you and you have completed all the notes of this chapter, but keeping a thing in the mind that you should discuss question and answers so that you could prepare them well, I am going to do this. As you all know that in this chapter, the story of a tribe, Garoglenian family, is described. That tribe had been very prosperous in the past time, but this time, present time, that is not in good condition. The tribe had been famous for its honesty. Still, all the people of the tribe are following it. Still, they are famous for their honesty. Since they are poor, but they have not done anything wrong. कुछ ऐसा नहीं किया जो उनकी जो कबीले में जो famous थे वो किए. कबीला बहुत ही ज़्यादा ईमानदार है, अच्छा है, बढ़िया लोग, आइडियल पीपल हैं इसके, तो आज भी वो उसको फॉलो कर. क्वेश्चन है आपका, द नरेटर लुक्ड आउट एट द विंडो एंड कुड नॉट बिलीव व्हाट ही सॉ. व्हाई? हु इज द नरेटर? अरम इज द नरेटर. दैट टू ब्रदर्स, कजन ब्रदर्स, अरम मुराद. तो क्या उसने विंडो के बाहर देखा और उसको विश्वास नहीं हुआ? ऐसा क्या देखा जो उसको विश्वास नहीं हुआ? तो क्या देखा उसने? वन डे द नरेटर्स कजन मुराद विजिटेड हिम एट 4 in the morning. 4 बजे सुबह उसके पास आया. ही वोक हिम अप बाई टैपिंग ऑन द विंडो. विंडो पे नोक करके उसको जगाया. द नरेटर लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, उसके बाहर देखा. ही कुडंट बिलीव हिज आइज व्हेन ही सॉ मुराद सिटिंग ऑन अ ब्यूटिफुल वाइट हॉर्स. ही कुड नॉट बिलीव ऑन हिज आइज दैट मुराद वाज सिटिंग ऑन द ब्यूटिफुल वाइट हॉर्स. वाई वाज ही सरप्राइज्ड? ही वाज सरप्राइज्ड बिकॉज दे वर नॉट इन कंडीशन ऑफ परचेजिंग any horse. They were very fond of horse, but due to the poverty they were not able to purchase the horse. तो उसने देखा, अरे भाई ये कहाँ से ले आया घोड़ा भाई. तो he became surprised. He could not believe because his family was too poor to buy a horse. क्यों विश्वास नहीं हुआ आँखों पर उसको? उसने कहा, our family is too poor. How could we, buy a horse? ये कहाँ से इसको ले आया? तो ही वॉज सरप्राइज टू सी मुराद सिटिंग ऑन द बैक ऑफ द वाइट हॉर्स आउटसाइड द विंडो. ही वॉज रियली सरप्राइज. ओके, ये आपका क्वेश्चन हो गया. नेक्स्ट, व्हाट टाइप ऑफ पर्सन वॉज मुराद? In the initial part of the story, Murad, there was difference between the behavior, conduct of Murad and Aram. कैसा व्यक्ति था Murad? Murad was the narrator's cousin. आप लोग जानते हैं, बताया मैंने पहले. He was considered to be crazy fellow by everybody except the nature. उसको सब क्या समझते थे? Crazy. एक सन की टाइप का लड़का था उसको. He liked whatever he liked or he fond of जो उसको पसंद होता था, वो जो शौक उसको होती थी वो पसंद होता था.
He was not serious at all. He was a kind of cranky person. He also enjoyed being alive more than anybody else. He wanted to live his life freely, without any tension. He loved horses and horse riding. उसे हॉर्स राइडिंग घुड़सवारी और घोड़े बहुत पसंद. दिस वॉज द नेचर ऑफ मुराद. ओके, दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट, व्हाट डज द स्टोरी टेल अस अबाउट द गैरोग्लेनियन फैमिली. क्या बताती गैरोग्लेनियन फैमिली के बारे में स्टोरी. मैंने आपको बताया गैरोग्लेनियन फैमिली इज एन अर्मेनियन ट्राइब, एक अर्मेनियन कबीला था. द होल ट्राइब वाज पॉवर्टी स्ट्रिकन, पूरा कबीला इस टाइम गरीबी से प्रभावित था, बहुत गरीब थे वो, पीड़ित थे. देयर गैरोग्लेनियन फैमिली वाज टू पुअर टू मेक बोथ हैंड्स मीट. आई मीन टू से दैट दे वर नॉट एबल टू अर्न टू मील्स ब्रेड, दो वक्त का रोटी भी वो लोग नहीं कमा पा रहे थे, इतने गरीब हो गए थे. बट दे वर प्राउड ऑफ देयर ऑनेस्टी, स्टिल दे वर प्राउड ऑफ देयर ऑनेस्टी, दे हैड बीन फेमस फॉर दैट फॉर अ लॉन्ग टाइम. अभी भी उन्होंने अपनी ऑनेस्टी छोड़ी नहीं थी, अभी भी उन्होंने अपनी जो है जो ईमानदारी थी उसको नहीं छोड़ा था. दे हैड बीन फेमस फॉर दिस फॉर सेवरल सेंचुरीज, कई शताब्दियों से वो फेमस थे कि बहुत ईमानदार लोग इस कबीले में रहते. दे हैड बीन वन ऑफ द वेल्देस्ट फैमिलीज इन द पास्ट. पिछले टाइम पर बहुत ज़्यादा पैसे वाले लोग ये थे, प्रॉस्परस लोग थे. दे वर प्राउड एंड ऑनेस्ट, दे बिलीव इन राइट एंड रॉन्ग, क्या गलत है क्या सही उसमें विश्वास था. दे डिड नॉट डू एनीथिंग दैट वॉज कंसिडर्ड रॉन्ग, ऐसा कुछ भी नहीं करते जिसको गलत बोला जाए. They were ideal, they were honest, they were praised by others. These all the qualities were there in the tribe, Armenian tribe, Garuglenian families ko bola gaya. Next question, what were the narrator's feelings about horse? Narrator ki kya feelings thi horse ke bare mein? The narrator was also very fond of हॉर्स, वो भी बहुत शौकीन था. इट वॉज हिज वाइल्ड ड्रीम टू राइड अ हॉर्स, घोड़े को चलाना, उसकी रेस, उस पर बैठना उसका एक ड्रीम था, वाइल्ड ड्रीम. ओके, ही कुड स्मेल द हॉर्स, ही कुड हियर इट्स ब्रीथिंग, उसकी सांसें वो सुन सकता था, देख सकता था, इतना घोड़े के बारे में वो क्रेजी था. इट वॉज सो एक्साइटिंग, यू कुड नॉट बिलीव दैट द हॉर्स हैड एनीथिंग टू डू विद देयर फैमिली, लेकिन उसे विश्वास नहीं था कि हमारे परिवार में कभी भी घोड़ा आ सकता है. दे वर टू पुअर टू बाय द हॉर्स, बहुत गरीब थे वो, घोड़ा खरीदने लायक नहीं थे. बट द नरेटर वॉज क्रेजी अबाउट द हॉर्स, नरेटर घोड़े के लिए बहुत क्रेजी था. ओके, ये आपका आंसर हो गया. व्हाई डिड द नरेटर चूज टू राइड व्हेन ही हैड कम टू नो दैट मुराद हैड स्टोलन द हॉर्स. जब उसे पता भी लग गया, व्हेन ही केम टू नो दैट द मुराद हैड स्टोलन द हॉर्स, फिर भी वो घोड़े पे तैयार हो गया उस पर राइड करने के लिए, ऐसा क्यों है. द नरेटर्स कजन मुराद गेव हिम अ चॉइस to ride or not to ride the horse. जब उसने कहा where did you get this horse, कहाँ मिला आपको ये घोड़ा, तो उसने कहा do you want to, you know, इसमें आप जो है मुझसे पूछना चाहते हैं क्या, negotiation करना चाहते हैं, अगर ऐसा है तो I'm going. The narrator's first longings had been longings to ride, सबसे बड़ी इच्छा थी उसकी घोड़े बैठने की narrator, so he did not now miss the chance. He did not
वॉन्ट टू मिस द चांस, वो चांस मिस नहीं करना चाहता था घोड़े पे बैठने का, चलाने का. ही कंसोल्ड हिमसेल्फ विद दैट थॉट दैट स्टीलिंग अ हॉर्स फॉर अ राइड वॉज नॉट सेम थिंग स्टीलिंग समथिंग एल्स. उसके हिसाब से केवल चलाने के लिए घोड़ा चुराना और चीज चुराने जैसा नहीं है, ये चोरी नहीं थी उसकी नज़र में, वो हमेशा के लिए नहीं रखना चाहता था, तो उसने कहा ये चोरी नहीं. इट माइट नॉट बी स्टीलिंग एज ऑल दे वर नॉट गोइंग टू सेल द हॉर्स. उसने कहा मैं इसको बेचने थोड़ी जा रहा हूँ, ना मुराद ने चुराया है वो बेचने जा रहा मैं, ना मैं, हम लोग इसको बेचेंगे नहीं, इसका मतलब ये चोरी नहीं है. ओके, व्हाट डिड द नैरेटर डू आफ्टर ही डिसाइडेड टू राइड. क्या किया जब उसने डिसीजन ले लिया मुझे घोड़ा चलाना है. द नैरेटर पुट ऑन हिज क्लॉथ्स, ही वॉज रियली वेरी हैप्पी एंड फीलिंग एक्साइटेड. एकदम एट वंस ही पुट ऑल हिज क्लॉथ्स, ही जंप्ड डाउन टू द यार्ड फ्रॉम द विंडो. ही डिड नॉट कम आउट फ्रॉम द डोर, दरवाजे से बाहर नहीं आया, विंडो से एकदम नीचे कूद गया. ही वॉज सो एक्साइटेड. देन ही जंप्ड ऑन द हॉर्स बिहाइंड हिज कजन. मुराद वॉज सिटिंग ऑन द बैक ऑफ द हॉर्स, ही ऑल्सो जंप्ड एंड सेट बिहाइंड हिज ब्रदर कजन मुराद. They went out to enjoy a horse ride and they were very gay. वो बहुत खुश थे, they were glad, they were happy, they were feeling tremendous feelings when they were riding the horse. बहुत अच्छी feelings उन लोगों को आ रही थी. Okay? So, some of the part of this chapter has been discussed in the form of question answers. Rest of the part and all rest of the question answers we would discuss in next video. Okay, thank you, have a nice day, God bless my dear students.